हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मूली के परांठे कैसे बनाते हैं। मूली के परांठे बनाना बहुत कठिन होता है। इसको पहले कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करने के बाद इसको नमक मिला के निचोड़ लेना और उसमें सारा मिक्सचर जो है मिक्सचर में सब मसाला डाल देना। जैसे इसमें धनिया डाल दिया, गर्म मसाला, जीरा, हींग और लहसुन, थोड़ा जिंजर वगैरह सब पेस्ट करके डाल देना है। फिर इसके हमने मिक्सचर बना लिया है पहले ही। फिर इसको क्या करना है, हमने ये लोई बनानी है। लोई में इसमें स्टफिंग करनी है। ये देखिए स्टफिंग कर दी हूँ, क्योंकि इसमें जो मूली जो होती है ना, मूली में बहुत पानी होता है, तो इसको नमक पहले नमक कद्दूकस करना है। फिर क्या करना है, नमक डाल के निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद फिर इसमें सब मसाला डाल देना। अगर फिर ऐसा हो गया तैयार तो हम इसको फिर इसमें, आप इसको मक्की के आटे में भी बना सकते हैं। मक्की के आटे में बहुत अच्छे बनती है, इसको मिक्स करके बहुत अच्छे परांठे बनते हैं मक्की के आटे में। आज मैं आपको गेहूँ के आटे में परांठे, जैसे आलू के बनते हैं वैसे ही मूली के बनते हैं। तो दोस्तों इसको हमने ऐसे चारों तरफ से बंद कर लेना है गोलाई और राउंड में। इसमें जैसे हमने भर दिया, देखिए ये देखो भर दिया और देखिए अच्छा हुआ। अब ये अब इसको हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है, फिर हमने इसको ऐसे वो कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना हाथ से। खजूर बोलते हैं हम, खजूर बोलते हैं। दोस्तों मैं आज बैठ के चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ। चूल्हे की रोटी जो है बहुत टेस्टी बनती है। तो अब मैं इसके ऊपर ये बेल लेती हूँ। ये देखिए देखिए कितना अच्छा बन गया। ऐसे एक तरफ से चिपकने लगे तो उसको बदला देके दूसरी तरफ से कर सकते हैं हम ऐसे। ये देखिए ये हमारा पोहा बन गया, बच गया है। और अब इसको ना थोड़ा सा जो आटा चिपका हुआ है इसको हम ऐसे ऐसे झाड़ देंगे। झाड़ने के बाद हम इसको अब इसको तवा में डाल देंगे। ये देखिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो मैं अगली वीडियो में आपको नई डिश लेके आऊँगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।